अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर जो लोग काम करते हैं वो लोग कन्या राशि के मंगल वाले होते हैं। जी। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कन्या राशि में है उन लोगों को लक्ष्य प्राप्त करने का होता है, लक्ष्य को साधते हैं, ऐसे नहीं और चालाकी से काम भी निकलवा लेते हैं। इन्हें पता है किसके थ्रू काम हो सकता है, गलतियां ढूंढने में माहिर होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन शो करते हैं, बताना शुरू करते हैं आप ऐसा करो आप ये करो आप वो करो और अपनी प्रेजेंटेशन बता देते हैं, उनकी गलतियों से अपना काम निकाल लेते हैं। जिनकी कुंडली में कन्या राशि में मंगल होता है, कन्या राशि वाले नहीं, जिनका मंगल कन्या राशि में है वो इस टाइप के लोग होते हैं। उनके अंदर हमेशा इच्छा होती है कि किसी भी ढंग से कैसे भी ढंग से ना उनकी पूछ बनी रहे, तो वो कहीं ना कहीं कमियां निकालते हैं, कुछ करते हैं, कामकाज को परफेक्ट तरीके से करना चाहता है। जो वहमी होते हैं ना वो ये लोग होते हैं, तो इन लोगों को हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए, इनको सहयोगी बहुत जल्दी पसंद नहीं करते, इसलिए ये सब काम करते हुए भी अलग थलग पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को कार्तिक जी की मंगल के एक देवता हो रहे हैं कार्तिक जी की आराधना करनी चाहिए। हमारे यहाँ उत्तर भारत में कम लेकिन दक्षिण भारत में मुर्गन नाम से उनको जाना जाता है, उनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है। हम लोग तो अक्सर मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करते हैं, वो लोग कार्तिक जी की आराधना करते हैं, तो किसी भी दक्षिण साउथ इंडियन मंदिर में जाएं और वहाँ कार्तिक जी की आराधना करें तो इससे इनका मंगल बहुत अच्छा होता है। उनका अभिषेक करवाया जाता है, कार्तिक जी का अभिषेक होता है तो उनको, हाँ कार्तिक जी हैं जो शिव के पुत्र हैं पार्वती के पुत्र हैं, उनका अभिषेक करना चाहिए, इनसे उनको लाभ होता है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कन्या राशि के जो जातक हैं अगर मंगल के गोचर के वक्त इस राशि वाले जितने भी आप लोग हैं आप लोगों को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आपके लिए मुश्किल हो रही है कुछ चीजें, तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना करें।